टेक्निकल ऑटो टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। ये वॉक्सवैगन जेटा 2.0 टीडीआई डीजल, इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी जैसे भी इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो उसका जो फ़ैन है, एसी फ़ैन और इंजन का फ़ैन, वो डायरेक्ट हो जाता है। और इंजन चेक लाइट आती है क्लस्टर मीटर में, और टेम्परेचर का जो साइन है वो ब्लिंक करता है। तो उस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो आपको मैं फॉल्ट दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये गाड़ी कभी भी अपन मॉर्निंग में भी, सुबह सुबह भी स्टार्ट करते हैं, या फिर दिन में कभी भी एनी टाइम जैसे भी अपन इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर का साइन है वो ब्लिंक करेगा और फैन डायरेक्ट हो जाएगा। और कुछ कंडीशन में गाड़ी चलाने के बाद यहाँ पे चेक लाइट आता है और टेम्परेचर का लाइट ब्लिंक करता है। तो अभी एक बार इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ। मैं ऑन किया, मैं अभी टेम्परेचर का लाइट आया, चला गया। और गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखेंगे तो उसका चेक लाइट कंटिन्यूसली ऑन है और मेरा एसी भी ऑफ है। और ये अभी थोड़ा टाइम में उसका टेम्परेचर का साइन है, ये ब्लिंक करना चालू कर देगा और ये फ़ैन अपना दोनों डायरेक्ट हो जाएगा। तो फ़ैन भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये अपना दोनों फ़ैन ऑन हो गया डायरेक्ट, और ये अपना एसी भी चालू नहीं है ना, गाड़ी अपनी गर्म है फिर भी ये फ़ैन डायरेक्ट ऑन है, एसी का भी और इंजन का भी। एक फ़ैन इधर है और एक फ़ैन इधर है। और यहाँ पे इंजन का चेक लाइट है, ये कंटिन्यूसली ऑन है, गाड़ी अपनी स्टार्ट है, एसी ऑफ है। और कभी कभी क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर साइन है, ये जैसा भी इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तभी भी ये ब्लिंक करना चालू कर देता है गाड़ी कोल्ड कंडीशन में भी। इन शॉर्ट ये कभी भी अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फैन है दोनों वो ऑन हो जाता है डायरेक्ट। तो अपन एक बार उसको एक्सटूल PS70 प्रो स्कैनर के ऊपर उसको स्कैन करते हैं और देखेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो एक बार इग्निशन स्विच को ऑफ करता हूँ, मैं ऑन करता हूँ, ऑन किया मैंने। और यहाँ पे अभी भी चेक करेंगे कि स्कैनर के अंदर क्या फॉल्ट कोड बता रहे हैं। तो जाते हैं ऑटो स्कैन में, ओके जेटा, ये अपना 2011 है तो जेटा में जाते हैं। यहाँ पे आ गए उसका विन नंबर और पूरे डिटेल्स, ओके करते हैं। फुल डायग्नोस में जाएंगे और जाएंगे 01 में, इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स। रेड ट्रबल कोड करेंगे तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड शो हो रहा है P011700, इंजन कूलन टेम्परेचर सेंसर 1, सर्किट लो, और ये एक्टिव स्टैटिक में बता रहे हैं। और नीचे आ रहा है P218400, इंजन कूलन टेम्परेचर सेंसर 2, सर्किट लो, और वो भी एक्टिव स्टैटिक में बता रहे हैं। और ये दो फॉल्ट अलग है, लेकिन जो ऊपर के दो फॉल्ट है 1 और 2, ये दोनों भी इंजन कूलन टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड है और दोनों लो में बता रहे। इंजन कूलन टेम्परेचर सेंसर 1 और इंजन कूलन टेम्परेचर सेंसर 2, सर्किट लो। तो इस फॉल्ट को मैं क्लियर करूँगा तो ये क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन जैसा भी मैं गाड़ी को थोड़ा रनिंग करूँगा तो ये वापस फॉल्ट जनरेट हो जाएगा। तो और कस्टमर ने उसके लिए ऑलरेडी उसके सेंसर वगैरह चेंज किए हुए और उसका वायरिंग भी ओके है, मैंने चेक किया। तो फॉल्ट को मैंने ऑलरेडी ट्रेस किया, तो मैं आपको डायरेक्ट फॉल्ट दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट हो रहा है, किसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। और आपको इंजन कूलन टेम्परेचर सेंसर 1 और इंजन कूलन टेम्परेचर सेंसर 2 दोनों का मैं लोकेशन भी दिखा देता हूँ कि उसका इंजन कंपार्टमेंट में उसका लोकेशन कहाँ पे है। ये उसका ओल्ड वाले सेंसर है, तो ये इसका एल्बो है थर्मोस्टेट का, और यहाँ पे उसका ये जो
टू वायर का है, तो वहाँ पे उसका सेंसर आता है यहाँ पे। ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर वन का आएगा, और आपको अभी टू का दिखाता हूँ। यहाँ पे उसको आउटलेट भी बोलते हैं। तो ये कूलेंट इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर टू, ये भी दो वायर का है। तो इसका ऑलरेडी मैंने वायरिंग भी चेक किया और सेंसर भी कस्टमर ने ऑलरेडी डाला हुआ है। ईसीएम का कंटिन्यूटी मैं चेक किया सेंसर से लेके ईसीएम तक, तो वायरिंग भी ओके है और सेंसर भी ऑलरेडी डाला हुआ है। तो इसका जो फॉल्ट मेरे हिसाब से है, तो अपन उसके लिए मैं खोलूँगा इसका ईसीएम। यहाँ पे उसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल आता है, और इसके अंदर खोल के चेक करते हैं एक बार कि इसके अंदर कुछ दिख रहा है क्या फॉल्ट। तो ईसीएम का, इसके अंदर ईसीएम का लोकेशन है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ईसीयू भी बोलते हैं। तो एक बार उसका कपलर खोल के अपन ईसीएम पूरा बोर्ड उसका चेक करते हैं। और ऑलरेडी मैंने उसका जो फ्यूज रिले वायरिंग सेंसर पूरा चेक किया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से फॉल्ट ईसीएम में है। तो अपन ईसीएम को ही एक बार खोल के देखते हैं। खोलने के पहले मैं एक बार उसका इग्निशन स्विच ऑन किया है, तो आपको और एक बार दिखाता हूँ। गाड़ी अब इंजन बंद है, लेकिन अपना ये फ़ैन दोनों ऑन है। और इंजन अपना ऑफ है। तो अभी अपना इंजन ऑफ है, मैंने ऐसे ही इग्निशन स्विच ऑन किया और आपको दिखा रहा हूँ कि इग्निशन स्विच ऑन कंडीशन में भी इसका फ़ैन डायरेक्ट हो जाता है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में भी डायरेक्ट हो जाता है दोनों फ़ैन, एसी और इंजन का। और इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो भी उसका इंजन का और एसी का फ़ैन डायरेक्ट हो जाता है। सिर्फ इसकी जो टेम्परेचर का जो साइन है, ये कभी कभी ब्लिंक करता है और कभी कभी नहीं करता है। पर ईसीएम खोलता हूँ मैं, और उस पर अपन फॉल्ट भी चेक करेंगे। आपको मैं फॉल्ट भी दिखाता हूँ कि कहाँ पे है इसका। इसके लिए यहाँ पे दो लॉक है, और ये साइड में है लॉक एक, इसको प्रेस करके आपको बाहर निकालना है। इसको खोल लिया मैंने। और इसको एक बार ओपन करता हूँ मैं, और ये ऑलरेडी रिपेयर हुआ है दो तीन बार। ये आपको यहाँ पे सीलेंट भी दिखाई देगा, यहाँ पे भी। तो ऑलरेडी ये कस्टमर बोल रहा है कि उसका ये वाटर डैमेज है, तो ऑलरेडी बहुत बार रिपेयर हुआ है। तो एक बार उसको खोल के भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे उसका T15 लगेगा इसमें एलिंग की। इसको ओपन करते हैं। तो इसको खोल दिया बोर्ड को मैंने। बोर्ड पे बहुत सारा काम हो गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सोल्डरिंग यहाँ पे भी हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा जला भी है, और यहाँ पे भी आईसी उसका चेंज हुआ है, और बहुत सारा काम इसके अंदर हुआ है यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी, और यहाँ पे ऑलरेडी सोल्डरिंग और रिपेयर किया हुआ है, वाटर डैमेज है। तो ये ईसीएम ख़राब हो गया है, तो अपन दूसरा ईसीएम डालेंगे इसमें और देखते हैं। तो इसके लिए मैं दूसरा ईसीएम डालेंगे। फाइनली उसका दूसरा ईसीएम डालेंगे सेकेंड यूज़, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको एक बार लगा के देखते हैं। इसको ऑलरेडी मैंने कोडिंग किया है, तो अपन डायरेक्ट गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं लगाने के बाद।
तो इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ मैं। तो ऑन करने के बाद में भी कभी भी गाड़ी का उसका जो फ़ैन है पहला वाला ECM, उसमें वो फ़ैन डायरेक्ट हो जाता था, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में भी वो डायरेक्ट हो जाता था। एक बार गाड़ी को क्रैंकिंग करता हूँ मैं, गाड़ी स्टार्ट, और या फिर ABS, एयरबैग, ओके, सब सिस्टम, चेक लाइट भी गया। आगे से दिखाता हूँ, यहाँ पे उसका जो फ़ैन है वो पहला डायरेक्ट हो जाता था, ये वाला और ये वाला, इंजन और AC दोनों भी। तो ये अभी नॉर्मल है, और अभी गाड़ी स्टार्ट है, तो अभी मैं इग्निशन स्विच ऑफ करके ऑन करूँगा, और उसमें भी आपको दिखाऊँगा फ़ैन का जो कंडीशन है, क्योंकि उसका इग्निशन स्विच ऑन में भी उसका फ़ैन डायरेक्ट हो जाता था। तो उसको मैं ऑफ़ करता हूँ, एक बार गाड़ी को ऑफ किया, ऑन किया, और अभी स्कैनर पे भी एक बार चेक करेंगे, और जाएंगे फुल डायग्नोस में, और जाएंगे 01 इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स, रेड ट्रबल कोड, तो यहाँ पे नो ट्रबल कोड, जो अपना पहला कूलन टेम्परेचर सेंसर 1 और कूलन टेम्परेचर सेंसर 2 का जो फॉल्ट कोड आया था वो इसके अंदर नहीं आ रहा है। मतलब ये अपना जो ECM डालने के बाद प्रॉब्लम सक्सेस हो गया। मैं गाड़ी को आपको स्टार्ट करके भी एक बार दिखाता हूँ, गाड़ी अपनी स्टार्ट है, रेड ट्रबल कोड, यहाँ पे नो ट्रबल कोड। तो फैन डायरेक्ट होने का रीज़न उसका ECM के अंदर प्रॉब्लम था, तो अपन ECM उसका चेंज कर दिया, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।